यस मैच स्टार्ट हो चुका है. फर्स्ट पास मूविंग द ग्रुप. कलिंगा रेंजर्स डोमिनेटिंग पासेस. गुड शॉट एंड इट गोज फॉर अ कॉर्नर. Very good cutting. Two hard tackles and ball goes to corner again. Very good pass. Still maintaining the ball with the Kalina Rangers team. Very good coordination. Outside for Kalina Rangers. Professional. Dazzlers. Oh. Dani. Keeper holding the ball. Passed well to the half center. Goes back to the keeper and John. Ball, very good pass. Craig, no. Release guard. अरे हार्ड पवन योर बॉल इट वाज पवन योर बॉल इट वाज जॉनी बिफोर पासिंग गिव अ कॉल ना ही विल गेट इट देयर कांबे जॉनी क्रॉस इन योर मैन योर So guys, you are watching the second quarter final here right now at the Virat Memorial Football Tournament. The second quarter final of the first day. This is Kalina versus Dazzlers. Yes, well. Kalina has won the first match very easily by 3 goals to nil. And now, this is quarterfinal now. So let me excel in this match as well. That was coming very hard tackles, and that was a bad mistake, but easily covered up. Kalina on attack. That's counter attack. Now what they will do? Very aggressive chasing. Danish. The Kalina's defender. Dazzlers now up there on the attack as well. I request the substitutes, please stand behind the line, guys. Danish. Dazzlers. Now with the right wing, jersey number 11 from Dazzlers. 11 नंबर का काफी अच्छा पास डेंजरस हो सकता है लेकिन कवर अप किया गया वहां पर बहुत ही शानदार तरीके से मिडफील्डर और अब गेम को काम डाउन करेंगे. अच्छी ड्रिबलिंग करने की कोशिश लेकिन उतनी मुस्तैदी से वहां पर जैसे नंबर 7 डेंजरस के डिफेंडर काफी अच्छा टैकल उनका. कलीना के स्टॉपर एंड कलीना के गोलकीपर को काफी यूज किया उन्होंने पिछले मैच में भी उनके साथ काफी टच बिल्डअप किया और अब आगे विंग में भागने की कोशिश कर रहे थे. गोलकीपर ऑलमोस्ट हाफ लाइन पे आ चुके हैं कलीना के और डेसलर की पूरी टीम अभी हाफ में. कम ऑन लुक डाउन टॉप पासेस अभी डिफेंस एंड गोलकीपर मैसेज चलता हुआ अचानक से
मिस्टेक एक ऐसी जगह जहां से वो गोल मार सके। यहां पर थोड़ा टसल देखने को मिला है लेकिन रेफरी कह रहे हैं प्ले ऑन, तो गेम जो है वो चलेगा अभी फिलहाल। जर्सी नंबर 14 काफी शानदार क्लियरेंस वहां पर जर्सी नंबर 7 द्वारा और थ्रो भी मिलेगा डेजलर्स को। कलीना थोड़ी सी सख्त पकाते हुए यहां पर डेजलर्स फुल उफान में उनका गेम चल रहा है अभी, काफी ताकत का प्रयोग कर रहे हैं यहां पर, खतरनाक हो सकता था लेकिन कीपर वहां पर मुस्तैदी थे जर्सी नंबर 9। पास काफी छोटा पास लेकिन जर्सी नंबर 7 शानदार खेल आज दिखा रहे हैं जर्सी नंबर 7 और विंग पे भी ले गए हैं बॉल और क्या बेहतरीन क्रॉस भी किया था उन्होंने। जर्सी नंबर 7 की क्या तारीफ करूं, जितनी भी तारीफ की जाए कम है, बेहतरीन खेल का प्रदर्शन। अगला मैच बागशाला वर्सेस BYBFC है तो दोनों टीम प्लीज किटअप करके तैयार रहे। बागशाला वर्सेस BYBFC वहां पे और क्या शॉट मारा, अगर ये शॉट अगर फ्रेम पे होता तो काफी दिक्कतें उठानी पड़ सकती थी गोलकीपर को। वैसे भी कलीना के गोलकीपर काफी एडवांस खेल रहे हैं, फिर से टैकल यहां पे जर्सी नंबर 7 उनके पास आ रही थी बॉल, कीपर थोड़ा सा आगे आए लेकिन उनकी रेंज से बाहर थी, भागेंगे अपने गोल की तरफ वापस। और यहां पर कलीना कोशिश करेगी कि इस अटैक को गोल में तब्दील करने की कोशिश करे और ये मौका था मेरिट के पास पर उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बॉल ऐसे सामने से चली जाएगी, बट फिलहाल काफी शानदार गेम यहां पर वीरेंद्र मेमोरियल का फुटबॉल टूर्नामेंट में आप देख रहे हैं। आज का दूसरा फर्स्ट डे का दूसरा क्वार्टर फाइनल आपके सामने हो रहा है डेजलर्स वर्सेस कलीना। बागशाला BYBFC आपका अगला मैच अभी जरिए है एंड कलीना यहां पर अटैक है लेकिन जर्सी नंबर 17 काफी ताकत से उस पर चार्ज करते हुए एंड मजबूर कर रहे हैं एक्चुअली कलीना को पीछे खेलने के लिए। कलीना दूसरी तरफ बहुत ही काम एंड कंट्रोल एकदम अपने गेम से ना हटते हुए और टचेस बिल्डअप करते हुए गोल के ऊपर, जैसे कि मैंने बताया काफी यूज करते हैं उनको गेम के अंदर, काफी एडवांस बनाते हैं और ये थ्रू बॉल है और बैक हील नहीं हो पाया, काफी अच्छा गेंद वहां पर साइड बैक द्वारा। और मीनवाइल अल नसर से डायरेक्टली लैंड किया है मैडी यहां पर, 250 करोड़ की डील माफ करके पलावा FC में इन्होंने अभी अपनी हाजिरी ली है। चलिए सीरियस गेम की तरफ बढ़ते हैं। कलीना FC गोलकीपर टू साइड बैक, साइड बैक टू गोलकीपर एंड अगेन गोलकीपर टू साइड बैक, साइड बैक टू गोल। उन्होंने दिया 25 को, हेड से शानदार पास किया बैक
बॉल अभी तक चल रही है वहां पर, लेकिन आखिर में बॉल गेट आउट और गोल किक मिलेगी अभी कलीना रेंजर्स को। कलीना रेंजर्स दोनों टसल कर रहे हैं मैच, लेकिन आखिर में बॉल जाता है कलीना रेंजर्स को। उन्होंने थ्रो किया अपने गोलकीपर को, गोलकीपर और ये जाता है थ्रो इन कलीना रेंजर्स के फेवर में। सारे सब्स्टिट्यूट डेजलर्स एंड डेजलर्स के और कलीना रेंजर्स के सब्स्टिट्यूट से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप थोड़ा सा लाइन से पीछे हट जाइए। आप लोग काफी लाइन के आगे खड़े, हमारे प्लेयर डिस्टर्ब हो सकते हैं, आपके प्लेयर भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, थोड़ा सा पीछे। थैंक यू सो मच। एक प्लेयर चोटिल हो गए यहाँ पर, मेडिकल फैसिलिटी अगर उनको चाहिए तो रेफरी प्लीज हमको क्यू करें। क्रेग मॉवेल इज कम स्ट्राइकर, व्हाट बॉल यू आर पुटिंग, आई थिंक कैन प्ले हिम ना, खत्म हो जाएगा ना, मेकिंग अ चेंज सो दैट ही विल डू इट। और सेनेगल से हमारे प्लेयर आए हैं फर्नांडो पवेल, आई एम टेलिंग यू प्ले सेनेगल इंटरनेशनल, लास्ट टाइम जब ये खेले थे उन्होंने 15 गोल मारे थे 3 ही मैचों में। फिर हमने उसे कहा गेम बंद कर दिया। चलिए नाउ डैशलेस, डैशलेस अटैक पे जाते हुए जैसे नंबर 25 लेग्स काफी अच्छा पिचादर पास और ये बॉल गया है पीछे और काफी हार्ड टैकल वहां पे करने की कोशिश। बहुत ही ज्यादा जगह है जैसे नंबर 22 के पास, लेकिन उन्होंने बैक पास दिया, 25 नंबर ने बॉल दिया, उनके स्टॉपर ने बहुत इजीली उसको ट्रैप किया और कीपर को खेलने की कोशिश की थी, काफी तेज बॉल थी और काफी दिशाहीन भी तो हो गया है कॉर्नर डैशलेस के फेवर में। यहाँ पे दिखता है एक सब्स्टिट्यूट जैसे नंबर 19 अब अंदर जा रहे हैं, जैसे नंबर 6 की जगह डैशलेस को मिलता है कॉर्नर, कॉर्नर लेने के लिए जा रहे हैं स्पेशली फ्रॉम डिफेंस टू अटैक जैसे नंबर 23। आप देख रहे हैं आज के दूसरे क्वार्टर फाइनल का पहला हाफ, कलीना रेंजर्स वर्सेस डैशलेस एफसी एंड यहां पर कलीना का शानदार टैकल और बढ़ चुके हैं 11 नंबर मर्विन के पास बॉल, मर्विन ड्रिबलिंग करने की कोशिश करते हुए, दो प्लेयर लेकिन आ चुके हैं अब और डिस्पोजेस हो गए हैं मर्विन, लेकिन किसी तरह उन्होंने फिर भी थ्रो अपनी टीम के लिए अर्जित किया और इसी तरह होता है पहला हाफ, काफी सनसनी खेल देते हैं। ओके here we go the second half of the second quarter final of the Vivek Cup Memorial Football Tournament, here we go Kalina FC versus Dazzler and started with a goal kick in favor of Kalina, क्या बोल रहा है जो बागशाला एंड DYBFC गाइस आपका मैच, ये मैच खत्म होने के 3 मिनट के बाद स्टार्ट हो जाएगा, अगर कोई भी टीम 5 मिनट से ज्यादा लगाती है तो उसके ओपोनेंट को बाय दे दिया जाएगा गाइस, इरिस्पेक्टिव आप अगर क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं, लेकिन बाय दे दिया जाएगा DYBFC एंड बागशाला। मेरविन का शानदार कॉर्नर लेकिन थोड़ा सा ऊंचा हो गया और अटेम्प्ट भी नहीं करा कलीना रेंजर्स के अटैकर ने। सब लोगों को मैं बता दूं कि रेशम की साड़ियां पिछले टूर्नामेंट में यहां बांटी गई थी, इस बार सोने के सिक्के बांटे जाएंगे, यहां पर ऋषि हैं जो सबको सोने के सिक्के बांटेंगे।
और बॉल को तो पूछते हैं यहाँ पर लेफ्ट बैक के पास बॉल और पास करेंगे अपने सिडनी को, नहीं ड्रिबलिंग करके लाए हैं, लॉन्ग रेंज पास एक किया है ग्राउंड पास, लेकिन उसको रोकने में नाकामयाब कलीना के प्लेयर डेजर डेजर्स ऐसे अब चढ़ाई करते हुए उनका एक लॉन्ग पास अटैकर है सामने, क्या उस बॉल को चेस करेंगे, नहीं इजीली गया बॉल बॉल और गोल किक कलीना के फेवर में। क्या हुजूर कर रहे हैं आज का पहला पेनल्टी शूट आउट इस टूर्नामेंट का पहला पेनल्टी शूट आउट ये जानने के लिए हमें लगेंगे एग्जैक्टली 12 मिनट, देखते हैं अगर ये 12 मिनट तक अगर गोल लेस ड्रॉ रहता है या 1-1 ड्रॉ रहता है तो अपन शूट आउट देखेंगे आज इस टूर्नामेंट। गोलकीपर उनका शानदार शॉट और फ्लिक करने की कोशिश की थी डेजर्स के जर्सी नंबर 17 ने लेकिन फ्लिक नहीं हो पाया। और दिल्ली से 25,000 रुपए का सुपर चैट मनीष द्वारा आया है यहाँ पर और उसके लिए खुक स्टैप हमारे के सतीश यहाँ पर, सतीश एक खुक स्टैप यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे। चलिए बैक टू सीरियस मैच कलीना, यहाँ पे मरविन ने पास किया अपने साइड बैक ऑन वन टच पास किया वहाँ पर और मरविन के पास बॉल है, क्या इस बार कुछ हो पाएगा, ये बहुत ही करीबी मामला था, ये काफी करीबी मामला बहुत जल्दी काफी मैच है इस बार अपने आप को फील करेंगे। मैन ऑन डॉसन यहाँ पे हम बढ़ते हुए बहुत ही शानदार टैकल डेविस के जैसे तो 25 के तो आए होना नेक्स्ट प्ले होना जैसे नंबर 7 उनका लॉन्ग थ्रो काफी शानदार तरीके से क्लियर किया है वहां पर और चेस्ट से ट्रैप किया पर बोड़ा लंबा हो गया बिकॉज बॉल काफी तेज रोल हो गई चेस्ट ट्रैप की वजह से और बॉल चली गई आउट डेजर्स को मिलता है थ्रो और नाउ डेजर्स विल लुक फॉर ऑप्शंस। क्या थ्रो है शानदार थ्रो एकदम एक्यूरेट उनके पांव में जैसे नंबर 7 काफी तेज दौड़ रहे हैं उन्होंने बॉल पास किया अपने साइड बैक को और कितने ही सूझबूझ और अपने चतुर चाटुकर्ता से इन्होंने ले लिया है कॉर्नर और अब जैसे नंबर 7 ले गई कॉर्नर और बहुत ही गहन चीज कॉर्नर खेला था शानदार शॉट उनका लेकिन दिशाहीन बाहर और गोल किक का इशारा दिया है रेफरी द्वारा और कलीना रेंजर्स को मिलता है गोल किक। धूम ने काफी तेज स्टार्ट किया मरविन बिल्कुल खाली खड़े आगे शानदार शॉट और क्या शानदार सेव है यहाँ पर कीपर द्वारा बहुत ही मैच सेविंग गोल सेविंग सेव यहाँ पर कीपर ने किया है और मैच फिर से शांत होता हुआ क्योंकि कलीना के गोल कीपर को बॉल आ चुका है मरविन के पास बॉल मरविन पास देना चाहते थे अपने लेफ्ट विंगर को लेकिन यहाँ पे जर्सी नंबर 7 से हो गई मिस्टेक और ये बढ़ चुकी है कलीना आगे यहाँ पर क्या शॉट मार पाएगी शॉट तो मारा है लेकिन डिफेंस उतनी ही शातिर वहाँ पर यहाँ पे गेम रुकाया गया कीपर इंजर्ड हो गए हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑफिशियल से प्लीज फर्स्ट एड और ये फिर से काफी शानदार 25 नंबर ने दिया है कलीना के गोलकीपर को कहा है कि आप शुरुआत कीजिए इसकी मोहित ने पास किया है और ये काफी अच्छा और एक और शानदार सेव वहां पर मैन ऑफ द मैच के प्रबल दावेदार हमारे डेजलर के गोलकीपर हैं अभी तक फिलहाल मैं अगर कहना चाहूंगा
यहाँ पर करीना जो फिर शानदार फुटवर्क उनका ड्रैग जैसी ड्रिबलिंग वो कर रहे हैं यहाँ पर, और एक और शानदार ड्रिबलिंग इस बार टैकल किया है और फ्री किक मिली है करीना को। क्या इसको ये गोल में कन्वर्ट करेगी करीना? रोशन बी ऑन साइड ना लेफ्ट साइड, हाउ मेनी टाइम्स यार टायर्ड, अरे बी ऑन लेफ्ट साइड ना रोशन, गो फास्ट। करीना एफसी आपके सामने व्हाइट एंड ब्लैक में एंड ग्रीन में है डैसलर्स। शॉट लिया उन्होंने, शानदार ब्लॉक डैसलर्स के प्लेयर ने, क्या ड्रिबलिंग किया है और काउंटर पे जाती हुई टीम, लेकिन करीना दोबारा से अटैक के करीना रेंजर्स, करीना रेंजर्स शानदार ड्रिबलिंग यहां पर, लेकिन काफी हैवी टैकल के साथ यहां पर जैसे नंबर 23 उन्होंने पास किया लेकिन गलत हो गया, 14 नंबर का तेज शॉट नहीं मार पाए यहां पर, स्टॉपर पे आती है बॉल और स्टॉपर अब देंगे या शॉट मारेंगे, नहीं उन्होंने पास खिसकाया पीछे से आए हैं डिफेंडर चेज करेंगे यहां पर डेंसलर के स्ट्राइकर जर्सी नंबर 17 और उन्होंने बॉल को ले लिया है और ये अटैक काफी खतरनाक हो गया है जैसे बाकी की बल्ले बल्ले उन्होंने पास किया जैसे नंबर 17 प्रशांत ने उन्होंने पास किया डेड एंड में बॉल चली गई बाहर और बॉल चली गई बाहर करीना का थ्रो और फ्लिक हुआ था जर्सी नंबर 17 के द्वारा तो कॉर्नर किक मिला है। अब करीना के पास है कॉर्नर किक, बहुत ही अच्छा शानदार कॉर्नर है लेकिन क्या क्लियरेंस है, एक गोल से दूसरे गोल की तरफ यहां पर क्लियरेंस आपको देखने को मिलेगा जर्सी नंबर 17 डैसलर के डैसलिंग प्लेयर यहां पर जर्सी नंबर 7 उनको पूरी तरीके से मुस्तैदी से चेस करते हुए एक तरीके से घेरा बना दिया है यहां पर करीना के पास क्या है कोई ऑप्शन चेस घेरे को पार करने का, लेकिन उन्होंने गेम को थोड़ा सा ठंडा किया और किक निकला है रिसीव ना हो पाए यहां पर 21 नंबर के बाद बॉल है उन्होंने 7 नंबर को दिया, 7 नंबर काफी फुर्तीले प्लेयर है और उनका क्रॉस थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर हो गया जिसकी वजह से बॉल चली गई बाहर और मिलता है गोल किक। और जैसा कि करीना के गोलकीपर काफी क्विक स्टार्ट करते हैं इस बार भी उन्होंने क्विक स्टार्ट किया और बॉल आगे बढ़ते हुए उनके लेफ्ट विंग से और इनके स्टॉपर जो काफी काम है कंपोज करते हैं अच्छे कप्तानी के प्लेयर, ये क्या मौका हो सकता है शानदार गोल गुडवन मोविन का बेहतरीन माइनस और उसमें शानदार साइड वॉली बखूबी यहाँ पे नजराना बिछा दिया है जर्सी नंबर 6 द्वारा करीना एफसी एक गोल की लीड लेते हुए डैसलर्स को अब अपने पैर और तेज चलाने पड़ेंगे लेकिन नहीं यहाँ पर करीना के पांव और थोड़े तेज हो चुके हैं और मिलता है थ्रो करीना रेंजर्स को। करीना रेंजर्स कुछ अंत के पलों में उन्होंने इस लिमिट को लिया और अब डैसलर्स के पास काफी कम समय है लेकिन हमें भरोसा है कि वो इसको साइड वॉली चली गई साइड आउट, अब डैसलर के पास है थ्रो और समय है बहुत कम, देखते हैं क्या होता है इन बाकी के क्षणों में। हमारे सामने अभी आप देख सकते हैं जर्सी नंबर 23 जो कि थ्रो करेंगे, उन्होंने दिया अपने गोलकीपर को, गोलकीपर ने बॉल को किया ग्राउंड और वो मारेंगे एक लंबा शॉट, नहीं उन्होंने दिया इसमें साइड विंग 7 नंबर को, 7 नंबर के पास बॉल उन्होंने पास किया जर्सी नंबर 21 को, जर्सी नंबर 21 चेज करते हुए लेकिन अब इनके स्टॉपर नहीं रुकेंगे और लंबी लंबी क्लियरेंस का यूज करेंगे जिससे कि समय की बर्बादी हो और ये आसान से इस गेम को जीत जाए। जर्सी नंबर 7 के पास बॉल उन्होंने किया अपने खेला अपने कीपर को, कीपर ने लॉन्ग बॉल डाला है काफी डेंजर बॉल भी है ये, कीपर नहीं ये अगेंस्ट में दिया गया है डैसलर के तो ये इन फेवर ऑफ करीना रेंजर्स, दोनों प्लेयर चोटिल है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑफिशियल से प्लीज पानी एंड स्प्रे लेके जाइए प्लीज जाके देखो मेडिकल प्लीज थोड़े से समय के बाद सुबह से चुनाव था और करीना रेंजर्स दोबारा से आगे आते हुए और उन्होंने पास किया, ये गोल हो सकता है क्या, पीछे बर्विन को दिया है और
कीपर की तो जितनी तारीफ की जाए कम है, शानदार रिफ्लेक्सेस और फ्लेक्सिबिलिटी का यहाँ पर नजराना यहाँ पर आपने देखा अभी डेजलर्स के कीपर द्वारा है? और ये काफी वेस्टेड सा लिया उन्होंने और सात नंबर दोबारा से अटैक करते हुए यहाँ पर और निकाला, लेकिन हाथ कंधे पे रखने की वजह से फाउल दिया और उनकी बदनसीबी की रेफरी उनके सामने ही खड़े थे। और गोलकीपर इस समय कोई भी गलती बहुत हानिकारक हो सकती है, गोलकीपर कोई भी रिस्क ना ले और डेजलर्स अपने पांव थोड़ा तेज चलाए ताकि उनको लीड को कवर अप कर पाए। लेकिन अभी मैं देख रहा था करीना के प्लेयर आगे बढ़ चुके हैं, क्या फाउल करेंगे नहीं, और इस तरह फाउल अपना रुख बदल लिया और तेजी से होने लगी। जसीर बसा, जसीर बसा, फाउल मिला है डेजलर्स को, डेजलर्स को मिलता है फाउल और बहुत जल्दी स्टार्ट किया जसीर बसा के पास बॉल, उन्होंने ग्राउंड पास देने की कोशिश करी लेकिन लास्ट में और काफी दूर से शॉट मारा है कीपर, इतने एडवांस थे कि अगर वो गोल में जाते शायद गोल हो सकता था, लेकिन कीपर ने किया क्विक स्टार्ट। ये अच्छा काफी प्रॉमिसिंग अटैक लग रहा है डेजलर का, लेकिन काफी ताकतवर टैकल वहां पर कलीना रेंजर्स द्वारा, एक गोल इज ओपन है डेजलर का थ्रो, बॉल ऊपर उठ चुकी है, ये किसी को भी मिल सकती है, काफी क्लोज, कीपर ऑलमोस्ट ऑफ लाइन पे आ चुके हैं और उन्होंने पास किया अपने साइड आउट, कम बैक सियोन, कम बैक, कम बैक, इसने थ्रो मिलेगा भी डेवलप को, डेवलप को मैच में क्या भी सामना करना चाहते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने किया कीपर को टेक लेफ्ट हैंड को सियोन, उन्होंने दिया कोशिश करी थी साइड आउट करने को, थ्रो मिलता डेवलप के द्वारा, डेवलप शानदार लंबा थ्रो सात नंबर बीच में है, कहीं ना कहीं बोल से आगे गोल खा लिया, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, कलीना को